अभी हम हैं यहाँ पे शहरधारा में, तो अभी हम आपको दिखाने वाले हैं द्रोण मंदिर। तो द्रोण मंदिर बेसिकली जो है बहुत कम मिलता है इंडिया में देखने के लिए, बहुत कम मंदिर है द्रोण के। सो देहरादून को द्रोण नगरी के नाम से जाना जाता है और उसी बेस में यहाँ पे द्रोण मंदिर है। और यहाँ पे शहरधारा को धारा से मीन्स जो पानी टपकता है उससे जो है इसका नाम रखा गया शहरधारा। तो हम वो धाराएं भी आपको दिखाएंगे यहाँ पे जो धारा है, और बहुत सी चीजें यहाँ पे देखने के लिए, गुफा है यहाँ पे शहरधारा की गुफा। तो ये सब चीजें आज मैं आपको ब्लॉग में दिखाने वाली हूँ। हम पहुंच चुके हैं शहरधारा और अभी हम आपको दिखाने वाले हैं ये सब चीजें। तो बने रहिए मेरे साथ ब्लॉग में और चलिए आपको दिखाते हैं। आशीर्वाद लेने आ सकते हैं, जब आप घूमने भी आ सकते हैं यहाँ पे, आप भगवान का आशीर्वाद ले सकते हैं, यहाँ पे आप पिकनिक बना सकते हैं, फोटोज ले सकते हैं, मतलब एक प्लेस में इतनी सारी चीजें आपको मिलती है, तो ये बहुत ज्यादा बेनिफिटेड है आपके लिए। तो गाइस मेरे पीछे देख सकते हैं कितनी धाराएं हैं यहाँ पे, तो इन धाराओं की वजह से यहाँ का नाम पड़ा है सहस्रधारा। तो अभी हमने आपको द्रोण मंदिर दिखाया और ये वो धाराएं हैं जिनकी वजह से यहाँ का नाम पड़ा है सहस्रधारा। सारी देख सकते हैं और ये ऐसे वाटरफॉल होते हैं, इतना प्यारा लग रहा है ना ये, सीरियसली यहाँ पे आपकी फोटोज भी बहुत अच्छी आएगी और घूमने के लिए बहुत अच्छा है। और यहाँ का ये पानी जो आ रहा है ये बिल्कुल साफ पानी है, एकदम क्लीन वाटर है, ये ऊपर से होता हुआ आ रहा है ये सीधा। तो आप यहाँ पे आ सकते हैं और इस व्यू का, इस नज़ारे का इंजॉय कर सकते हैं और मजे ले सकते हैं यहाँ पे बहुत ज़्यादा। तो बहुत से लोग यहाँ पे आके नहाते भी है इसके नीचे बैठ के। सो मैंने एक फोटो और पोज देखा था यहाँ पे कि कोई नहा रहा था और वो शिव जी के पोज में बैठा हुआ था, जैसे मे भी तांडव करते हैं ऐसे योग मुद्रा में बैठते हैं वो, तो वो यहाँ पे बैठा हुआ था। तो वो फोटो भी मुझे बहुत अच्छी लगी थी, तो वो वाली फोटो भी बहुत अट्रैक्टिव आती है यहाँ पे बैठ के। तो आप भी वो पोज बनाएं और यहाँ पे इंजॉय करें। तो आई होप आपको ये जगह पसंद आएगी, जगह पे यहाँ पे विजिट करेंगे तो आप भी यहाँ पे।
think we're getting close. Racing through the waves, I want to.